जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादेह तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मित्रों, मैं पंडित महेश पाठक श्री राम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से आप सभी का स्वागत है, आपका अभिनंदन। मित्रों, आज की बात हम मेष राशि के बारे में बात करेंगे कि दिसंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। पहले ग्रहों की स्थिति की बात करते हैं। मेष राशि की कुंडली आपके सामने है। ये हमारा जो प्रोग्राम है मून साइन के ऊपर है, जिनकी मेष राशि उनके लिए प्रोग्राम है। मेष लग्न वाले अपने हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन मैन जो प्रोग्राम मेष राशि वालों के लिए है, जिनका नाम मेष राशि का है उनको पता है चंद्रमा मेष राशि में बैठा है, उनके लिए प्रोग्राम है। नहीं तो वो अपने राशि के अनुसार अगर उनकी मेष राशि बनती है तो उसके हिसाब से प्रोग्राम को देख सकते हैं। ग्रहों की स्थिति देखते हैं। मेष राशि से बृहस्पति दूसरे भाव में है, चौथे भाव में मंगल है, नीच के भाव में बैठे हैं, छठे भाव में केतु बैठा है, अष्टम भाव में सूर्य और बुध बैठे हैं, शुक्र दसवें घर में है, शनि ग्यारहवें घर में है, राहु बारहवें घर में है। ये ग्रहों की स्थिति है मेष राशि वालों के लिए। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करेंगे। देखिए, मेष राशि के लिए जो सबसे अहम ग्रह, जो सबसे अहम जो नवग्रह मंडल में ग्रह है वो है बृहस्पति, मंगल और सूर्य। ये तीन ग्रह सबसे अहम माने जाते हैं। बृहस्पति की पोजीशन देखते हैं, सेकंड हाउस में बृहस्पति बैठा है, शुभ ये भाव माना जाता है, तो बृहस्पति की पोजीशन ठीक है। हालांकि शत्रु राशि में बैठे हैं, लेकिन अपने कारक भाव में बैठे हैं, तो बृहस्पति आपके लिए ठीक है, अच्छा प्रभाव है। सूर्य के बारे में बात करते हैं, तो सूर्य आपके लिए अष्टम भाव में बैठे हैं और सूर्य एक ही राशि का स्वामी है, तो इसको अष्टमेश होने का या अष्टम भाव में जाने का दोष कम लगता है, लेकिन लगता जरूर है। तो 15 दिसंबर तक ये यहाँ रहेंगे, 15 दिसंबर के बाद ये धनु राशि के अंदर यानी आपके भाग्य में चले जाएंगे, तो भाग्य में जाएंगे तो आपको सपोर्ट करेंगे। मंगल नीच राशि में बैठा है आपकी राशि का स्वामी, चतुर्थ भाव में बैठा है, नीच राशि में बैठा है, केंद्र में है, अच्छी पोजिशन है वैसे, लेकिन नीच का है। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो आपका जो स्वास्थ्य है वो करीब करीब इस महीने ठीक रहने वाला है, कोई आपको खास दिक्कत आने नहीं। अगली बात करते हैं, पहले मंगल की बात करते हैं। मंगल आपका नीचे चतुर्थ भाव में बैठा हुआ, चतुर्थ भाव होता है हमारे परिवार का, सुख का, दिमागी जो सुख होता है उसका भाव होता है। अब मंगल जैसा ग्रह अगर चतुर्थ भाव में बैठेगा, नीच बन के बैठेगा, तो सिर में दर्द देता है, क्योंकि परिवार में कलेश होती है, कलह का वातावरण बनता है। नीच का मंगल जब चतुर्थ में बैठता है तो परिवार के अंदर कहीं न कहीं कलेश का वातावरण बनता है, परिवार में खुशी का थोड़ा माहौल कम हो जाता है। तो यह मंगल का प्रभाव बढ़िया नहीं माना जा सकता चतुर्थ भाव के अंदर। बात करते हैं पंचम भाव की। पंचम भाव होता है हमारी शिक्षा का, संतान का, पंचम भाव होता है हमारे लव का, प्यार का, रिलेशन का। तो पंचम भाव की बात करते हैं। पंचम भाव का स्वामी बनते हैं सूर्य देवता, जो अष्टम में दिसंबर की शुरुआत में बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये 15 तारीख तक रहेंगे, 15 दिसंबर तक। उसके बाद इनके जो गोचर है वो चला जाएगा आपके भाग्य भाव के अंदर। तो भाग्य भाव में जब ये जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आपको, लेकिन अभी भी बृहस्पति की दृष्टि सूर्य के ऊपर आ रही है, तो सूर्य को थोड़ी सुविधा प्रदान करते हैं। तो पंचम भाव से रिलेटेड जो हम चीजें देखना चाहते हैं उसमें आपका भाव थोड़ा शुभ रहेगा। पंचम भाव पर शिक्षा का भाव मानते हैं, तो जो पढ़ने वाले छात्र हैं और कहीं पढ़ाई में एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि वो एग्जाम वगैरह 15 तारीख के बाद होगा आपका। तो 15 के बाद में सूर्य स्थान परिवर्तन करेंगे, आपके भाग्य में पहुंचेंगे, तो आपको अच्छा परिणाम देंगे, आपको अच्छी आपको एक मंजिल देंगे आपको। तो 15 तारीख के बाद अगर आपको एग्जाम करते हैं, किसी कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं, कोई पेपर देते हैं कोई, तो 15 तारीख के बाद पेपर होने तो आपके लिए अच्छी खुशखबरी वाली बात है और आपको उसमें कामयाबी देंगे। 15 से पहले अगर कोई आप ऐसा प्रोग्राम करते हैं थोड़ा सा डाउट है तो उसमें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा 19-20 आपके साथ हो सकता है। ये संतान का भाव है, संतान संबंधी जिनको सुख चाहिए वो इस महीने ले सकते हैं 15 तारीख के बाद।
प्लानिंग कर लिए, प्लानिंग कर सकते हैं। और जिनके 15 तारीख के बाद संतान पैदा होगी, बहुत भाग्यशाली पैदा होगी, ऐसी भाग्यशाली पैदा होगी तो माँ बाप का नाम रोशन करेगी। ये लव रिलेशन का भाव होता है। तो बृहस्पति की जो दृष्टि है सूर्य के ऊपर आने से थोड़ा सा यहाँ प्यार मोहब्बत के चक्कर में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए थोड़ा सा एक ईगो टाइप माहौल बनता है। अष्टम भाव में जो सूर्य का गोचर है थोड़ा सा घाटी बनाता है, थोड़ा सा एक जिद सी पैदा होती है। तो हो सकता है सामने वाले के अंदर कुछ उसका एटीट्यूड इस टाइप का महसूस हो आपको कि जिद वाली बात करेंगे, बहस किसी बात के ऊपर हो जाए, संबंध खराब नहीं होंगे लेकिन कोई ना कोई जिद का जो एटीट्यूड है या ईगो का जो एटीट्यूड है वो जरूर सामने आएगा। तो थोड़े इस हिसाब से अपने आप जो व्यवहार है आपका उसको थोड़ा बदल के रखें और थोड़ा व्यवहार को सुधार के रखें। 15 तारीख के बाद समय बहुत बढ़िया है आपका, लव रिलेशन में आपको कामयाबी मिलेगी, अच्छा माहौल आपके लिए तैयार होगा, कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं, प्लानिंग करके आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। सप्तम भाव मित्र होता है हमारे दाम्पत्य जीवन का, आपके सामने सप्तम भाव है जहाँ 7 नंबर लिखा है। यहाँ का जो मालिक बनता है वो बनता है शुक्र, और यहाँ का जो कारक होता है वो भी शुक्र होता है। शुक्रदेव कहाँ है आपके? शुक्रदेव आपके 10th हाउस में बैठे हैं। 10th हाउस में शुक्र का गोचर, केंद्र के मालिक का केंद्र में गोचर बहुत अच्छा माना जाता है कि केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठा है, वो कई सारे दोषों को शांत करता है। तो सप्तम भाव संबंधी पहले बात करते हैं पति पत्नी का आपसी वातावरण, आपसी व्यवहार कैसा रहेगा। शुक्र अच्छे प्रभाव में है, पत्नी से आपको लाभ हो सकता है, तो कैरियर के भाव में बैठा हुआ है वो, तो पत्नी आपको सपोर्ट कर सकती है, कोई महिला आपको सपोर्ट कर सकती है आपके काम में, आपके धंधे में, आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में। पति पत्नी का संबंध अच्छा रहेगा, ये व्यापार का भाव कहा जाता है। तो ऐसे जो लोग हैं जो व्यापार कर रहे हैं तो उनकी जो पार्टनरशिप है अच्छी चलेगी। तो शुक्र इसका स्वामी है, शुक्र है, अच्छा प्रभाव देगा, पार्टनरशिप में किसी प्रकार की उसको परेशानी नहीं आएगी। विवाह शादी वाली बात करते हैं, शुक्र दशम भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा जो शुक्र है विवाह शादी के बंधन के रास्ते खोलेगा आपके। जो विवाह शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं कि शादी पीछे काफी समय से पेंडिंग भी हो रही थी, शादी बन नहीं पा रही थी, ऐसे लोगों की शादी बनेगी, शादी खुलेगी और आराम से इनका रिश्ता पक्का हो सकता है, शादी हो सकती है, किसी प्रकार की दिक्कत। शुक्र का केंद्र में बैठना बड़ा लाभदायक इस मामले में आपको दिखाई देगा। तो मंगल शुक्र आपके सामने बैठे, मंगल लगने से शुक्र सप्तमी से सामने सामने बैठने से पीछे जो ब्याह शादी मर्चन थी वो खत्म हो जाएगी और आपके विवाह शादी के जो संबंध है रिश्ते बड़े आराम से इजीली इस महीने में बन सकती बात आपकी, आपके रिश्ते आगे बढ़ सकते हैं। भाग्य की बात करेंगे, भाग्य के स्वामी बनते हैं बृहस्पति, जो शुभ ग्रह है और शुभ भाव दूसरे भाव में बैठे हुए, सेकंड हाउस में बैठे, तो भाग्य तो भैया आपको साथ देगा, भाग्य से आपको धन की प्राप्ति हो रही है, भाग्य से आपको लाभ की प्राप्ति हो रही है, भाग्य से आपको विदेश जाने की भी आपकी रास्ता बन रहा है, विदेश यात्रा भी कर सकते हैं आप, भाग्य से ही आपको पुण्य का प्राप्त करने के लिए, खर्चा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं बृहस्पति देवता। तो बाद में भाग्य स्वामी तो खर्चा भी कराएंगे, खर्चा होगा आपका अच्छे काम में खर्चा होगा, आप धर्म के काम में खर्च करेंगे, धर्म यात्राओं में खर्च करेंगे, तीर्थ यात्राओं में आपका खर्चा होगा। बृहस्पति शुभ ग्रह होने के नाते धन देंगे तो उसको अच्छे काम में खर्च कराएंगे। राहु भी बैठे हैं यहाँ 12वें भाव में, लेकिन राहु बृहस्पति के घर में ही बैठे हैं और बृहस्पति के घर में बैठा हुआ राहु बृहस्पति जैसा ही आपको प्रभाव देगा। तो राहु का भी यही प्रभाव है कि वो खर्चा कराएंगे तो अच्छे काम में कराएंगे, आपसे कोई भी ऐसा खर्चा नहीं कराएंगे जो कहीं गलत जगह आपका पैसा खर्च हो। भाग्य सपोर्ट करेगा आपकी, अच्छी तरह भाग्य आपका साथ देगा। और 15 दिसंबर के बाद सूर्य देवता जब आपके 9th हाउस में आएंगे तो 9th हाउस में आने के बाद में भाग्य को सपोर्ट करेंगे कि पंचमेश आपके भाग्य में आया है, तो जो आप प्लानिंग करेंगे किसी काम के लिए, अच्छी बुद्धि का उपयोग करेंगे, वहां पर आपको सूर्य बड़ा सपोर्ट करेंगे। सूर्य शासन का, प्रशासन का, सरकार का कारक होता है, तो जिनके भाग्य में आगे बैठा है तो सरकार से ऐसे लोगों को लाभ मिल सकता है जो सरकारी नौकरी करते हैं, सरकारी ठेके उठाते हैं या सरकार से जिनका किसी प्रकार का भी लेन देन होता है, तो ऐसे लोगों के लिए सूर्य का भाग्य में बैठना बहुत अच्छा है।
ये भाग में जो सूर्य बैठते हैं तो पिता के कारक बनते हैं, तो यहाँ पिता से भी आपको अच्छा लाभ मिलेंगे पूरे पूरे छा से। अगर पिता का स्वास्थ्य खराब था तो ठीक होना शुरू हो जाएगा, पिता आपको सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे पिता, और पिता का जो बड़द हस्त है वो आपके हमेशा आपके सिर पर ऐसे रहेगा। बात करते हैं आपको काल क्षेत्र की। कर्म क्षेत्र में कैरियर में शुक्र देवता आपके दशम भाव में बैठे हुए हैं, तो शुक्र का यहाँ बैठना बहुत अच्छा है। ऐसे जो शुक्र है ये है मौज मस्ती को देने वाले, ऐश्वर्य भौतिक सुख, पिकनिक पार्टियां, अच्छा खाना, घूमना फिरना, ये सब शुक्र की देन होती है हमारे लिए। शुक्र जब आपके दशम भाव में बैठते हैं तो हो सकता है आपके जहाँ स्टाफ के साथ आप काम करते हैं उनके साथ ही आपको कोई पार्टी करने का मौका मिले इस महीने, कोई पिकनिक पर जाने का कहीं आपको टाइम मिल सकता है, हो सकता है कोई महिला मित्र आपको प्रपोज भी कर सकती है आपके कार्यस्थल पर, और ये भी हो सकता है किसी महिला के द्वारा आपको अच्छा खाना भी मुहैया कराया जा सकता है इस महीने के अंदर, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई महिला मित्र आपके लिए एक अच्छा कोई मौका लेके आए आपके करियर के लिए, अच्छी जॉब की आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी लेके आती है, तो ऐसा भी आपके साथ इस महीने हो सकता है। जो जॉबलेस हैं उनके लिए भी जो दशम भाव बता अच्छा है। कारण क्या है कि पीछे शनि जो ग्यारहवें भाव में बैठे हुए हैं दशम भाव को स्वामी बनते हैं, तो पिछले काफी समय से करीब 4-4.5 महीने से ये बकरी चल रहे थे। शनि का बकरी होने का मतलब है कहीं ना कहीं आपको घुमाना, टेढ़ा रास्ता देना, बकरी का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा उल्टा चलना, तो उस समय कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक भ्रामक स्थिति आपके सामने पैदा हुई थी। लेकिन जब से शनि मार्गी हुआ है अभी 15 नवंबर से, आपके लिए रास्ता सीधा हो गया है, चलना सीधा हो गया है, रास्ते से कामयाबी को प्राप्त करना, मंजिल तक पहुंचना आपके लिए बड़ा सीधा हो गया है। तो शनि जब से मार्गी हुआ है आपके कैरियर में ग्रोथ उत्पन्न हुआ है, 15 तारीख के बाद में कैरियर में ग्रोथ उत्पन्न हुआ है, काम धंधा आपका बढ़ा है, काम धंधा बढ़ा है, ये लाभ भाव के मालिक है तो आपको लाभ भी बढ़ा है, आपको बेनिफिट भी बढ़ा है। ये हमारी इच्छा पूर्ति का भाव होता है। जब शनि मार्गी अवस्था में अपने भाव में बैठे हुए हैं तो आपकी जो इच्छा है उसे आप पूरी करेंगे, आपकी जो डिजायर है उसको पूरी करेंगे, चाहे वो आपकी डिजायर नौकरी की है, चाहे आपकी डिजायर आपके कार्य क्षेत्र की है, चाहे आपकी डिजायर किसी प्रकार की कोई जमीन जायदाद लेने की है, मकान लेने की है, बनाने की है, कोई पैसा इन्वेस्ट करने की, उसको जरूर पूरी करेंगे। जो लोग इंजीनियर हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, या जो कोई मीडिया से संबंध रखते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी शनि बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी लेके आपके सामने आए हुए हैं। ये शनि आपके लिए बहुत ज्यादा आपके कर्म क्षेत्र को, आपके करियर को एक नई दिशा देने वाले हैं। तो मेष राशि वालों के लिए कोई खराब ग्रह नहीं है, एक मंगल थोड़े से ठीक नहीं है कि वो नीच के चल रहे हैं, तो घर में थोड़ा कलेश का वातावरण ये बन सकता है, बाकी पूरी कुंडली में सब ग्रह अच्छे हैं और अच्छा प्रभाव सबका है। केतु आपके छठे भाव में बैठे हैं तो नौकरी की लालसा आपको होगी कि मुझे कोई अच्छा जॉब मिले, अच्छे जॉब की आप तलाश भी कर रहे होंगे और वो आपकी जो इच्छा है उस पूरी भी इस महीने में होने वाली है। राहु आपके 12वें घर में बैठे हैं, बृहस्पति के घर में हैं, थोड़ा कुछ उल्टा सीधा करने की कोशिश तो करेंगे, भ्रमित करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन बृहस्पति के घर में होने की वजह से और शनि के नक्षत्र में गोचर करने की वजह से राहु आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तो मित्रों, ये था मेष राशि वालों का दिसंबर का महीना। आपको कैसा लगता है प्रोग्राम, इसके बारे में अपने कमेंट करें, आप अपनी राय भी दें। उपाय बताते हैं आपको, क्योंकि आपका मंगल थोड़ा ठीक नहीं, हालांकि बाकी और ग्रह ठीक हैं, बुध भी थोड़ा सा बहुत बड़ी स्ट्रांग नहीं, तो बुध भी आपका अष्टम भाव में चल रहा है, लेकिन बुध अष्टम भाव में थोड़ा प्रभाव खराब नहीं देता है, सूर्य ज्यादा खराब प्रभाव देता है। आपको उपाय बताते हैं मंगल का और सूर्य का, आपको क्या करना। मंगल के लिए आपको मंगलवार का व्रत करना चाहिए और मंगल की जो चीजें होती हैं लाल रंग की, आपको उसका दान करना चाहिए, मंगल आपका शुभ होगा। सूर्य के लिए 15 दिसंबर तक आपको रोजाना लाल रंग की रोली डाल के, थोड़े चावल और थोड़ा चीनी डाल के सूर्य को अर्घ देंगे गायत्री मंत्र के साथ, गायत्री मंत्र बोलते हुए अर्घ देंगे आपको, तो सूर्य आपके लिए शुभ प्रभाव देने वाला बनेगा। ये प्रोग्राम ये समाप्त करते हैं, अगला प्रोग्राम फिर आ जाएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।